बारिश का मौसम था, बहुत तगड़ा बारिश हो रहा था। और इसके साथ साथ अब हम लोगों का प्लान हो गया था कछोर से जाने के लिए, तो हम लोग निकल चुके हैं, हजरत गाड़ी भी चला रहे हैं। मेरी मौला की जात से है रात दिन दवा, मेरी मौला की जात से सदका मिले हुसैन का, सदका मिले हुसैन गाड़ी वैसे बहुत अच्छा चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हजरत भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग महीने में, हफ्ते में सैयदी सालार मसूद गाजी या सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुकद्दस बारगाह में जाया करें। इससे ये होता है कि ईमान में ताजगी आती है, और इस अकीदत के साथ जाया करें कि हम बुजुर्गान दीन को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन बुजुर्गान दीन हमें जरूर देख रहे हैं। तो इस अकीदत के साथ जाया करें, उनका साया करम रहेगा हम सारे लोगों के ऊपर, तमाम अकीदतमंदों के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला कभी हम परेशानियों के दलदल में नहीं फंसेंगे, बल्कि हमेशा कामयाब और कामरान होते हुए नजर आएंगे। तो भाई हजरत आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे दरगाह पे। दरगाह पे चलने के बाद वहाँ और उनके बारे में बताएंगे, उनका जीवन कैसे, मतलब आराम से खाता जाता तो वहाँ पे बताएंगे हजरत कि कैसे, कहाँ के कहाँ रहते थे, यहाँ पे कैसे आए हुए हैं, और क्या क्या जिंदगी कैसे कैसे कटी हुई है, सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल अभी एंजॉय लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और बाकी आगे रोड का आनंद लीजिए। अली यो फातिमा जहरा का दीजिए सदका, अली यो फातिमा जहरा का दीजिए। माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे हैं, अब इंशाल्लाह आगे फिर कभी किसी दरगाह में जाया जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी हजरत के साथ, इंशाल्लाह दोबारा फिर कहीं सफर पे निकला जाएगा। वैसे ख्वाहिश तो इसी गाड़ी से है, हमारी पैदाइश नहीं थी तब तक जब की गाड़ी आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है, किसी की पैदाइश नहीं, 30 साल की गाड़ी है, कितना होगा जबरदस्त है, अरे यार इतना दिराग चला रहे पीने के वास्ते मखदूम मुझको नीर दो, पीने के वास्ते मखदूम मुझको नीर दो, कोई गरज नहीं मुझे नहरे फरात से, कोई गरज नहीं मुझे नहरे फरात से, है रात दिन दुआ मेरी मौला की जात से। फाइनली भाई अब हम हाईवे पे आ चुके हैं, और टाइम आपका 6:35 हो रहा है सुबह का, तकरीब एक आध घंटा और लगेगा हम लोगों का ऐसे ही सफर पे। फाइनली गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज, और अभी हजरत बैठे हुए बगल में, ड्राइव मैं कर रहा हूँ, हजरत चलाते चलाते
पहुंच गए हैं और हम लोग जा रहे हैं दरगाह शरीफ। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि हम लोगों के लिए दुआ करें कि सही सलामत हम लोग दरगाह शरीफ पे पहुँचें, आपके लिए भी दुआ करें और आपके अजीज़ वरबा के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। दुआ आप लोग खुसूसी करें कि हम लोग सही सलामत हिफ्ज़ अमान में अल्लाह ताला हम लोगों को पहुँचाए वहाँ पर। देखिए ये नदी आ गई, इस नदी का क्या नाम है, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, क्या नाम है मैंने नदी का नाम घाघरा नदी, ये दिखा रहा हूँ आपको। देखो साहब बैठे हैं, हमसे नमस्ते किए हैं, बिल्कुल ये देखो ये आज ही अपने रब को माना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कितना बड़ा नदी देख लो। एक चीज और बता दें आपको, बहुत खास चीज है कि अगर आपको हाजिरी उजरी चलती है तो यहीं से चालू हो जाती है। मायूस क्यों गो सूफी भला मैं नजात से, है रात दिन दुआ मेरी मौला की जात से, सदका मिले हुसैन का अशरफ के हाथ से। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और आगे इंशाल्लाह वो भी हम आराम से निकल लेंगे, को भी साइड में लगाना है क्योंकि अब पुल पार हो चुका है और हम लोगों का टाइम भी काफ़ी हो गया क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं। हम लोग फाइनली जो है बिड़हाल घाट पुल पार आकर चौराहे पे, चौक पे हम लोग भाई नाश्ता कर चुके हैं, दुकान वो सामने रही है और नाश्ता करने के बाद अब टहल रहे हैं ऐसे ही। गाड़ी अपनी इधर खड़ी है मारुति 800 और फिर यहाँ से निकलते हैं बस खारी से, उसके बाद अपना मंजिल मिल जाएगा सचुंशे शरीफ, उसके बाद वहाँ का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सचुंशे शरीफ, गाड़ी हम लोग पार्क हो चुकी है और यही पैदल जा रहे हैं और गर्मी गर्मा का माहौल नहीं है, यानी भीड़ भाड़ नहीं है, कोई बिल्कुल एकदम शांति का माहौल है। अभी चलते हैं दरगाह पे, देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल है, वहाँ का क्या नज़ारा है, बाकी आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। मखदूम के कदमों की जाया उसको मिली है, मखदूम के कदमों की जाया उसको मिली है अशरफ की बसाई की छोछे की जमी है, अशरफ की बसाई की छोछे की जमी है, खुशबू में तकदीर पे छाई की छोछे की जमी है, तकदीर पे छाई की छोछे की जमी है, खुशबू में नहाई की छोछे की जमी है, फिरदौस से आई की छोछे की जमी है, खुशबू में नहाई की छोछे की जमी है। जब भी कोई गुजरा है अकीदत की हदों से, जब भी कोई गुजरा है अकीदत की हदों से, उसको सदा आई की छोछे की जमी है, उसको सदा आई की छोछे की जमी है, खुशबू में नहाई की छोछे की जमी है, फिरदौस से आई की छोछे की जमी है।
कहते हैं कुछ अच्छा सा है ये नाम की छोछा, कहते हैं कुछ अच्छा सा है ये नाम की छोछा, अच्छोने अच्छोने सजाई की छोछे की जमी है, अच्छोने सजाई की छोछे की जमी है, खुशबू में नहाई की छोछे की जमी है, फिर दोस से आई की छोछे की जमी है, मुझसे कहीं अच्छी मेरी आंखों की है किस्मत, मुझसे कहीं अच्छी मेरी आंखों की है किस्मत, नजरों में समाई की छोछे की जमी है, खुशबू में नहाई की छोछे की जमी है, फिर दोस से आई की छोछे की जमी है, खुशबू में नहाई की छोछे की जमी है, और जा क्यों न हो कुर्बान फिदा कैसे न हो दिल, जा क्यों न हो कुर्बान फिदा कैसे न हो दिल, ऐ गुल मुझे भाई की छोछे की जमी है, ऐ गुल मुझे भाई की छोछे की जमी है, खुशबू में नहाई की छोछे की जमी है, फिर दोस से आई की छोछे की जमी है, खुशबू में नहाई की छोछे की जमी है, फिर दोस से आई की छोछे की जमी है, फिर दोस से आई की छोछे की जमी है, खुशबू में नहाई की छोछे की जमी है, जिन जर्रों में उगते हैं मोहब्बत के गुलिस्तां, जिन जर्रों में उगते हैं मोहब्बत के